हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे इन फिक्स टू प्री फिक्स कन्वर्सन। ये मैनुअली हम लोग करेंगे, जैसे हम लोगों ने इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स किया था उसी तरह हम लोग इसका मैनुअली देखेंगे कि कैसे होता है। लेकिन उससे पहले कुछ नियम। पहला नियम, आपको प्री फिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन फिक्स में ए प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्री फिक्स में प्लस ए बी। अगर मैथमेटिक्स अगर डिजिट मैथमेटिकल डिजिट में अगर ये हो, जैसे कि 2 + 3 जो कि आपको इवेलुएट होकर 5 देता है, इसको अगर हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं तो ये +2 3 और ये भी आपको इवेलुएट होकर 5 ही देगा। ठीक है, बस ये ह्यूमन रीडेबल एक्सप्रेशन है और ये मशीन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया या नहीं, लेकिन प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करते, जबकि ये इन फिक्स में हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम चाहें तो इसमें ये ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, इससे पता चलेगा कि इसको इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, पैरेंथेसिस नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ आपको बोर्ड मास के नियम याद होने चाहिए। किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी प्रेसिडेंसी लेस है, किसकी प्रेसिडेंसी हाई है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको पोस्ट फिक्स में भी बताया था। ओके, सो आते हैं कन्वर्सन में। जैसे कि इसको कन्वर्ट करते हैं, ए सबसे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है मल्टीप्लीकेशन की, तो ए प्लस मल्टीप्लीकेशन बी सी माइनस डी। अभी ये एक पूरा ऑपरेंड है हमारा, कह सकते हैं ऐसा कि ये एक पूरा ऑपरेंड है हमारा, क्योंकि एक इवेलुएट होकर हमें ये 5 वैल्यू देगा। सो नेक्स्ट स्टेप प्लस, यह मैं माइनस को करता हूँ, माइनस इसको मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस मल्टीप्लिकेशन बी सी डी। ओके, अभी ये एक पूरा हमारा ऑपरेंड है। नाउ इसको हमें इधर करना है जिससे कि प्रीफिक्स बनेगा, प्लस ए माइनस मल्टीप्लिकेशन बी सी डी। तो ये आ गया हमारा प्रीफिक्स। इन फिक्स में था, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया प्रीफिक्स, ये मैन्युअली हम लोगों ने किया। ठीक है, इसके और भी तरीके जिस तरीके से पोस्ट फिक्स के थे। सो देखते हैं अगला तरीका। ये टेक्निकली है कि किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले तो प्री फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इन फिक्स को रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी लिखा हुआ, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, डी माइनस सी मल्टीप्लीकेशन बी प्लस ए, इसको रिवर्स कर देना है आपको। रिवर्स करके इसको आपको स्कैन करना है। ठीक है, एक हमें हमारे पास स्टैक होना चाहिए, एक आउटपुट के लिए जगह होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग स्कैन करते हैं। स्कैन इसको लेफ्ट टू राइट करना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इसको स्कैन करना है। पहले डी को स्कैन करता है, नियम वही है कि अगर स्कैन किया हुआ ऑपरेंड है तो ये डायरेक्ट प्रिंट होगा, अगर ऑपरेटर है तो ये स्टैक में जाएगा। फिर नेक्स्ट स्कैन करते हैं सी, जो कि एक ऑपरेंड है तो ये प्रिंट होगा। फिर ये स्कैन होगा ऑपरेटर, याद रखिएगा ये इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई है, इसीलिए ये स्टैक में जाएगा। देन बी स्कैन करता है, और बी एक ऑपरेंड है तो बी आउटपुट में। देन प्लस स्कैन हो रहा है, तो प्लस एक ऑपरेटर है जिसकी प्रायोरिटी कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन कम है। अब लेस प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर हमारे पास है, लेस प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर है, जब ये प्लस यहाँ पुश होगा स्टैक में जाएगा, तो यहाँ देखा जाएगा कि इसकी इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला प्रेसिडेंसी वाला ऑपरेटर यहाँ मौजूद है, तो ये बोलेगा पहले हम लोगों को बाहर निकालिए फिर हम उसको एंट्री देंगे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ एंट्री नहीं देने वाले, तो हमें इनको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर निकालते हैं इनको। चलिए, ये गया मल्टीप्लीकेशन और ये गया माइनस। अब प्लस यहाँ आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्कैन किया जाता है ए, और ए एक ऑपरेंड है तो ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नाउ ये एंड ऑफ लिस्ट हो गया, तो स्टैक में जो भी हुआ हमें प्रिंट कर देना है।
सिंपली। सो ये इनफिक्स था, ये इस यहाँ अभी ये पोस्ट फिक्स हो गया, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से पोस्ट फिक्स नहीं है, इसको हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। जब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे तो हमें इस इनफिक्स का प्रीफिक्स मिलेगा। ओके सो इसको हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ रिवर्स करके देखा प्लस ए, इधर से बस आपको रिवर्स करने के लिए बस इधर से आपको प्रिंट कर देना है प्लस ए माइनस मल्टीप्लीकेशन बी सी डी। तो इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का ये रहा आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ओके ओके सो यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए हैं तो। पहला सवाल कि थोड़ा सा पीछे जाएं हम लोग, यहाँ आते हैं ठीक है। तो इसको कंपेयर किया जाता है टॉप से, ओके टॉप से कंपेयर किया जा रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी लेस है, तो ये कहेगा कि मुझे बाहर निकालो। ओके सो ये स्टार बाहर चला गया, जब अब ये टॉप पर है, जब इसको इससे कंपेयर किया जाता है तब एक्चुअली ये दोनों सेम प्रेसिडेंसी का है अगर देखा जाए तो। सो आप चाहें तो या तो इसको बाहर निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों को अब यहाँ रख सकते हैं और फिर अगले वाले को स्कैन कीजिए, यानी कि मैं आपको मिनिमली इसको दिखा देता हूँ। जैसे कि अब स्टैक ये प्लस यहाँ आ जाता है और ये यहाँ स्कैन हो रहा है, ठीक है ए स्कैन होता है तो ए आपका यहाँ आ जाएगा और ये इंड लिस्ट हो जाने की वजह से ये दोनों अब बाहर आएगा। तो पहले प्लस बाहर आता है तो पहले प्लस यहाँ होगा और माइनस यहाँ होगा, और आप जब इसको रिवर्स को फिर से ठीक करते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, माइनस प्लस ए मल्टीप्लीकेशन बी सी डी। ओके सो ये आपको आप इस इनफिक्स का प्रीफिक्स मिलेगा। ओके सो इनफिक्स टू प्रीफिक्स करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। सो इसको इस तरीके से भी एक देखा जा सकता है। ओके सो मैंने आपको दोनों ही बता दिया, जो भी आपको ठीक लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स आई थिंक ये बेटर ऑप्शन है, ऐसा मुझे अभी फील हो रहा है। ठीक है सो आप चेक कीजिए, आई डोंट नो, मैंने कभी कंपेयर नहीं किया दोनों रूल्स को, मे बी कुछ कंडीशन में यही परफेक्ट हो और वो आपको करेक्ट आंसर ना दे, आई डोंट नो। एक्चुअली मैं इसको ज़रूर करूँगा, अगर कंपेयर करने पर कुछ अगर ऐसा आता है फॉल्ट तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा अगर कुछ आने वाले वीडियोस में। ओके सो फिलहाल के लिए ये कन्वर्सन है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। चलिए इसको हम लोग एग्ज़ाम व्यू से देखते हैं, यानी कि हमें अगर टेबल के फॉर्म में इसको अगर देखना हो तो वो कैसे होगा। ठीक है चलिए ज़रा पहले नेक्स्ट स्लाइड तक पहुंचते हैं। ओके सो टेबल में देखते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। तो पहले इसको रिवर्स कर देना है आपको। ओके सॉरी एक और मैंने अभी सडनली मुझे ये याद आ रहा है कि एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ हम लोगों ने इसको रिवर्स किया, इनफिक्स जो आपके एक्सप्रेशन है उसको हम लोगों ने रिवर्स किया। हम इसको रिवर्स नहीं चाहें तो ना भी करें, जैसे कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से लिख देते हैं और इसको हम लोगों ने लेफ़्ट टू राइट स्कैन किया है अभी रिवर्स करने के बाद, तो इसको हम लोग अगर राइट टू लेफ्ट स्कैन करें विदाउट रिवर्स किए हुए तो भी शायद हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है तो अलग अलग तरीके हैं अपने इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्सन के, जो भी आपको ठीक लगे। अभी सडनली मुझे ये याद आया देखने पर, मुझे एक और मेथड मिल रहा है तो मैंने आपसे शेयर किया। ओके सो आते हैं नेक्स्ट टेबल व्यू पर, जो कि एग्ज़ाम व्यू से बेटर है ऑप्शन और जो कि आपको एक्चुअली में सीखना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ओके सो इनफिक्स ये रहा आपका इनफिक्स, आपको पहले सबसे पहले रिवर्स करना है इस एक्सप्रेशन को। रिवर्स करने के बाद आप लेफ़्ट टू राइट इसको स्कैन करेंगे तो सबसे पहले आप डी स्कैन कर रहे हैं, डी स्कैन आपने किया, इसको सिंपली प्रिंट करेंगे आप, स्टैक में कुछ भी नहीं है डी आउटपुट स्क्रीन पर। माइनस स्कैन होगा, इसको पुश करेंगे स्टैक में जाएगा, आउटपुट में अभी भी डी है। फिर सी स्कैन होगा, प्रिंट होगा, अभी भी स्टैक में माइनस है डी और सी। फिर मल्टीप्लिकेशन स्कैन होगा, पुश होगा स्टैक में, देन डी सी। फिर बी स्कैन होगा,
प्रिंट मिलेगा आपको डीसीबी, लेकिन स्टैक में अभी भी माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, आपको आउटपुट मिलेगा डीसीबी। ओके, नाउ प्लस स्कैन हो रहा है, प्लस जब स्कैन होता है मतलब स्कैन होकर ये पुश होगा, तो पुश होने से पहले ये पॉप होगा। ठीक है, पॉप क्यों होगा आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लेस से स्टॉप वाले से। ओके, सो यहाँ भी वही आता है कि आप चाहें तो सिर्फ एस्ट्रिस्क को पॉप करें और माइनस को रहने दें, या तो फिर आप दोनों को पॉप करें, दोनों को आप पॉप कर, यहाँ मैंने दोनों को पॉप करके दिखाया हुआ है, तो आप दोनों को ही पॉप कर सकते हैं, या फिर रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर देखा जाए करेक्टली, तो करेक्ट वे यही है कि आप मल्टीप्लीकेशन टॉप वाले टॉप में भी मल्टीप्लीकेशन है तो उसको पॉप करें और माइनस को रहने दें, आई थिंक। ओके, सो फिलहाल के लिए दोनों ही मैंने पॉप किया है और पुश किया है मैंने प्लस को, और देन मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करने का तरीका आपको पता है कि पहले जो लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा ए, तो ए प्रिंट होगा, अभी हमारे स्टैक में प्लस है, तो ए डी सी बी मल्टीप्लीकेशन माइनस ए। अब स्टैक में नल हम लोगों का आएगा, एम्प्टी हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, पॉप करेंगे हम लोग क्योंकि हमारा लिस्ट इंड हो गया है, तो यहाँ एम्प्टी स्टैक, और आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा डी सी बी एस्ट्रिस्क माइनस ए प्लस। लेकिन ये आपका इनफिक्स का प्रीफिक्स नहीं है, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग रिवर्स करते हैं और हमें रिवर्स एक्सप्रेशन मिलता है ये। तो यही है आपका इस इनफिक्स का प्रीफिक्स कन्वर्सन। ओके, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ सिर्फ आप एक इसी को पॉप करें, माइनस को पॉप ना करें। ओके, सो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ आपका माइनस मौजूद रहेगा, यहाँ भी आपका माइनस मौजूद रहेगा, यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ये माइनस नहीं है, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और जब हम लोग इसको पॉप करेंगे तो आई थिंक ये प्लस पहले देन माइनस यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ से नेगेटिव नहीं होगा, ये माइनस यहाँ होगा। ओके, सो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो एग्जाम में एक्चुअली आपको ये टेबल के थ्रू दिखाना है, जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, या तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स या फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इस तरीके से आप उसको टेबल व्यू में दिखाएंगे और मार्क्स गेन करेंगे। ओके, आई होप यू क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।